वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम से MIUI में कैसे जाए जो कि Redmi Note 8 Pro में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है Redmi Note 8 Pro और यहाँ पे देख सकते हो Evolution X, यहाँ पे मैं रॉम यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे Evolution X या दूसरा आप यहाँ पे कौन सा भी रॉम इंस्टॉल्ड कर चुके हो, तो यहाँ पे आप कस्टम रॉम से यहाँ पे MIUI में जाना चाहते हो तो कैसे जाए उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हो। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट आपको यहाँ पे डेटा बैकअप करने लगा है, जो कि यहाँ पे आप कस्टम रॉम से MIUI में जाते हो तो यहाँ पे आपका डेटा इरेज होता है, डेटा बैकअप कर लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे फास्ट बूट मोड में बूट करना है। तो फास्ट बूट मोड में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो है आपका डिवाइस यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो सिंपल आपको यहाँ पे होल्ड कर लेना है पावर प्लस वॉल्यूम डाउन बटन। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे PC से कनेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरे डिवाइस को PC से कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है PC में। PC में आने के बाद आपको यहाँ पे MI फ्लैश टूल आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद एक फास्ट बूट रोम जो कि देख सकते हो, अगर यहाँ पे IN एक्स्ट्रा रहा तो ये इंडियन वर्जन है, जो कि यहाँ पे ग्लोबल इमेज फाइल जो कि यहाँ पे 12.5.0 जो कि यहाँ पे एंड्रॉयड 10 मिल जाता है। तो यहाँ पे एक फास्ट बूट रोम है जो कि यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों को डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ पे ये जो है एक 2. आपको यहाँ पे 63 GB का देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है एक MI फ्लैश टूल है जो कि एक 60 MB का आपको देख ओके 46 MB का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आप अगर चाहो तो इंडियन वर्जन फ्लैश कर सकते हो, अगर आपका यहाँ पे ग्लोबल वर्जन फ्लैश करने का है तो आप यहाँ पे ग्लोबल वर्जन भी फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पे दोनों वर्जन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे मैं इंडियन वर्जन डाउनलोड किया हूँ तो इंडियन वर्जन यहाँ पे मैं फ्लैश करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेटअप कर लेना है, जो कि यहाँ पे Xiaomi फ्लैश टूल को इसको सेटअप कर लेना है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली एक शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड होने के बाद। उसके बाद जो ये फास्ट बूट रोम है, एक्चुअल में ये जिप फाइल है, तो यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक फाइल है जो कि यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पे फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर आपको एक अननोन फाइल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, रीनेम करना है। और रीनेम करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में डॉट आपको यहाँ पे जिप टाइप करना है, जो कि डॉट और ZIP और उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। और यहाँ पे जो ये अननोन फाइल से यहाँ पे जिप फाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जिप फाइल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर ओके एक्सट्रैक्ट टू ही कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने तक आपको वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद ये फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर और एक फोल्डर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी ओपन करना है। एक बार आपको यहाँ पे बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे इसको कट करके लोकल डिस्क सी और यहाँ पे Xiaomi और यहाँ पे आपको जो है Xiaomi फ्लैश इसके अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना होगा, जो कि देख सकते हो पेस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लोज कर लीजिए और यहाँ पे Xiaomi फ्लैश इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है फर्स्ट। तो यहाँ पे ओपन होने तक आपको वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो चुका है। उसके बाद दिस PC और यहाँ पे लोकल डिस्क सी, उसके बाद Xiaomi Xiaomi फ्लैश और यहाँ पे जो है इंडियन वर्जन है जो कि 12.0.5.0 और यहाँ पे जो फाइल का पाथ है उसको जब जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है, जो कि यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है उसके बाद कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे Xiaomi फ्लैश टूल में। एक बार रिफ्रेश करना है, यहाँ पे डिवाइस डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लीन ऑल चूज करके रिफ्रेश करके आपको यहाँ पे फ्लैश कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है। तो ये फ्लैश होने तक आपको वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है और यहाँ पे डिवाइस भी बूट हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे बूट होने तक वेट कर लेना होगा और यहाँ पे बूट होने के बाद सेटअप कर लेना है। उसके बाद बेशक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो MIUI जो कि 12.0.5.0 ग्लोबल स्टेबल वर्जन। तो यहाँ पे आपको सिंपल वेट कर लेना है, जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे आप PC को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो MIUI 12 जो कि आ चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप बेशक यूज़ कर सकते हो जो कि MIUI 12 को।
तो यहाँ पे कस्टम रोम से यहाँ पे एम आई वाई जाने के लिए एक बेस्ट मेथड है, जो कि यहाँ पे इजी वे से आप यहाँ पे आ सकते हो एम आई वाई में। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।